अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आसरा का जायका। आज मैं आपकी लाई हूँ गांव की थाली, शुद्ध शाकाहारी पालक के साग और मूली की सब्जी, और बहुत ही बेस्ट बनने वाला है। तो फ्रेंड, पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो इसकी छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ हमने मूली ले रखा है धुलकर, इसको हम बारीक काट लेंगे इसके पत्तों को, और एक दो मूलियाँ भी काट लेंगे हम, बारीक ही काटना है पतले पतले से। और हमने पालक भी धुल लिया है और अच्छे से धुलके से बारीक बारीक काट लें। और फ्रेंड्स, इसी का हम दाल बनाएंगे। तो चलते हैं इसके छोटे से इंग्रेडिएंट की तरफ। यहाँ हमने लिया है लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, नमक और हींग। साथ में हमने लिया है रहर का दाल, अरहर जिसको बोलते हैं, और उड़द की दाल है। तो आप जितना बनाना चाहें उतना लें। मैंने अपने हिसाब से, अपने घर के हिसाब से क्वांटिटी ली है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो दो मुट्ठी मैंने अरहर की दाल ली है, चार मुट्ठी मैंने उड़द की दाल ली, धोई उड़द जिसे बोलते हैं, छिलके वाली भी आप ले सकते हैं। तो पहले हम दाल को वॉश करते हैं, दोनों दालों को एक साथ डाल के इसे वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बस इसमें मैंने एक कटोरी, उसी कटोरी से पानी डाल रखा है। साथ में मैंने डाला है चार चुटकी हींग का, और बाकी अदरक लहसुन नमक और हरी मिर्ची डाल देना है। साथ ही कटे हुए पालक और टमाटर, टमाटर डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, तो आप टमाटर भी ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा बनेगा ये दाल। तो बहुत ही लोग जानते होंगे बनाना, शायद कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसमें पानी बहुत कम रखना, क्योंकि पालक भी पानी छोड़ता है। तो दो सीटी आने तक आप इसे पकने दें, उसके बाद एक बार खोल के देख भी सकते हैं। फिलहाल दो से तीन सीटी आने दें। और साग को हमने काट लिया है, मूली के पत्तों को भी और मूली को भी, और इसके भी तड़के की हमने तैयारी कर ली है। तो चलते हैं तड़का लगाते हैं। इसमें तड़के में जाएगा अदरक लहसुन हरी मिर्ची प्याज। तो पहले हम सरसों का तेल यहाँ डालते हैं, सरसों के तेल में ही बनाए, और ये गर्म हो गया, इसमें हमें प्याज डालना है, थोड़ा भून लेना है। उसके साथ हम और भी सामान डालेंगे, तो इसे हम चलाते हुए थोड़ा भून लेते हैं, ब्राउन ब्राउन सा हो जाए। तो ये अच्छे से लाल हो चुका है, देखिए। इसमें थोड़ी अदरक के टुकड़े मैं डाल देती हूँ, और ये देखिए अदरक के टुकड़े के साथ हमें डालना है लहसुन हरी मिर्ची। ये देखिए, इसको भी हम साथ ही में डाल के भून लेते हैं, अच्छे से सब ब्राउन ब्राउन से हो जाएंगे। तो अच्छे से खुशबू आने लगती है, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी रहेगा इंशाल्लाह। बहुत ही आसान और सादी सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अच्छे से ब्राउन हो चुका है, तो इसमें हम मूली के पत्ते और कुछ मूली भी डाल देते हैं बारीक कटे हुए, ये देखिए। और इसे अच्छे से हमने चला लेना है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन, अच्छे से चला के स्वाद अनुसार नमक डालें। नमक कम डालें, क्योंकि ये अभी पानी जब इसका जल जाएगा तो ये थोड़ा सा हो जाएगा, तो नमक तेज़ भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने अभी नमक कम डाला है, आप भी कम ही डालें। तो फ्रेंड्स इसे अच्छे से हम चला लेते हैं, और देखिए चलाते चलाते ये कितने पिचक गए हैं। अब इसे हमने ढक देना है ताकि ये पानी छोड़ दे, अभी पानी छोड़ना शुरू कर दिया नमक डालने से, पानी छोड़ने लगते। तो यहाँ सीटी आने लगी है, और तीन सीटी लगने देते हैं, फिर से सब्जी को एक बार चला लेते हैं। देखिए काफ़ी पानी निकल गया है, बस इसे ढक कर धीमे आँच पे हमें 5 मिनट और ही पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं, इसमें ये बन जाएगा अच्छी तरीके से। तो इसे ढक दे, मिनट ढकने के बाद अब फिर से हम इसे खोल कर देखते हैं। तो देखिए ये अच्छे से कुक हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल इसमें पानी भी नहीं है, और सब्जी हमारी चमकदार हो गई माशाल्लाह। तो ये रेडी हो गया, चलते हैं दाल की तरफ। दाल को खोल कर देखते हैं कि ये पक गया है, तो माशाल्लाह ये भी अच्छे से कुक हो चुका है। तो इसे हमें मिक्स करना है, तो हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए, ये है दाल घोटनी इसको बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं ब्लेंडर, या कुछ भी आप बोल सकते हैं। फिलहाल इसे हम लोग दाल घोटनी बोलते हैं। और यहाँ हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें हमने लहसुन की कलियाँ और ज़ीरा भी डाल दिया है, और साथ ही हम डालेंगे प्याज, और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे ब्राउन ब्राउन सा बिल्कुल, और ये हमारा तड़का तैयार हो जाएगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी आधी चम्मची और आधी चम्मची लाल मिर्ची पाउडर, और गैस को हमें बंद करके ही इसे गर्म तेल में मिक्स कर लेना है, नहीं तो ये चल जाएगा। रहा हम गैस को ऑन किए रहेंगे, इसे हम दाल में डाल देते हैं। थोड़ा दाल लेकर हमने बर्तन में पलट लेना है, जिसमें हमने फ्राई बनाया था, दाल को फ्राई करने के लिए मेरा कहने का मतलब है। तो इसे हम इसके अंदर डाल कर मिक्स करके इसे भी करने वापस डाल देंगे। दाल हमारी काफ़ी थिक दिख रही है, तो थोड़ा पानी हमने उबाल लिया है, और इसमें थोड़ा नमक भी डाल दिया, क्योंकि नमक कम लग रहा था मुझे। इसे अच्छे से मिक्स करके हमें दाल के अंदर मिक्स कर लेना है। तो फाइनली हमारा दाल और सब्जी दोनों तैयार है, अब इसे हम खाएंगे गर्मा गर्म चपाती और चावल के साथ। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। खाते रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें और हमारी वीडियोस को देखें और कमेंट में बताएं कि आगे हमें क्या बनाना है, कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं। तो देखिए, हमारी थाली रेडी है गर्मा गर्म, माशा अल्लाह। तो मैं इसका लुत्फ़ उठाती हूँ और आप करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।